तो आप में से बहुत कोई का डिवाइस में 2 GB, 3 GB या 4 GB का रैम है, और जब भी कोई आप गेम या हेवी एप्लीकेशन रन करते हैं अपने अपने डिवाइस में, तो उसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं हो पाता है लो रैम की वजह से। बट मैं बोलूँ कि आप एक एप्लीकेशन के मदद से अपने डिवाइस के रैम को इंक्रीज कर सकते हैं 2 GB, 4 GB, 6 GB तक का, तो आपको ये यकीन नहीं होगा, बट ये सच है। आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बात करूँ कि आपके डिवाइस के रैम को आप किस तरह से इंक्रेस कर सकते हैं, वो भी एक एप्लीकेशन के मदद से। जी हाँ, वो सभी चीज़ मैं आज की इस वीडियो में आपको बता दूंगा। बट उससे पहले, आप अगर हमारे इस चैनल पे पहली बार आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो कहीं से भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। सबसे पहले आपको आ जाना है गूगल प्ले स्टोर पे, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बट उससे पहले वीडियो देख लीजिए, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको कैसे वर्चुअल रैम को क्रिएट करना है। इस तरह से इसे डाउनलोड कर लेने के बाद सिंपली यहाँ पे ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाता है। लेकिन रैम क्रिएट कर लेने से पहले मैं आपको सबसे पहले अपना डिवाइस का स्टोरेज दिखा देता हूँ, क्योंकि जब आप रैम को क्रिएट करेंगे तो आपके डिवाइस के स्टोरेज से कुछ मेमोरी को कंज्यूम करेगा। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मेरा जो मेमोरी है ये 64 GB का है फोन मेमोरी, और यहाँ पे अभी जो है 33.2 GB का स्टोरेज ये कैप्च करके रखा है। अब वर्चुअल रैम क्रिएट कर लेने से पहले मैं आप सभी को एक चीज में क्लियर कर देता हूँ, ये एप्लीकेशन कुछ कुछ डिवाइस में काम कर रहा है और कुछ कुछ डिवाइस में काम नहीं कर रहा। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपके डिवाइस में ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले आपको जानना है रैम का साइज, यानी कि जैसे कि यहाँ पे स्वाइप साइज लिखा है MB में 512 MB। अगर मान लीजिए आपको 1 GB का रैम चाहिए तो आपको 1024 यानी कि 1024 MB लिखना होगा, जिसका मतलब होता है कि 1 GB आप गूगल भी कर सकते हैं। उसी तरह से अगर मान लीजिए आपको 2 GB का रैम चाहिए तो आपको यहाँ पे लिखना है 2048 यानी कि 1024 MB में आपका 1 GB होता है। उसी के साथ अगर आपको 2 GB चाहिए तो आप 2048 MB यहाँ पे टाइप करना होगा, और भी ज़्यादा चाहिए तो आप खुद से कैलकुलेट करके वहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे 2 GB का रैम लेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे देखिए क्रिएट स्वाइप जो लिखा हुआ है, ठीक है, क्रिएट स्वाइप पे आपको टैप करना है। यहाँ पे इस तरह का आपको ऑप्शन देगा कि आपके पास कोई भी कॉइन नहीं है तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ऐड देखना होगा। तो हम यहाँ पे ऐड देखेंगे। जी हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से आप जैसे ऐड पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगा, आपके सामने कोई भी ऐड ये दिखा सकता है। ये 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड या 30 सेकंड तक का भी आपको यहाँ पे ऐड देखने को मिल सकता है। तो ऐड को आपको पूरा देखना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे फ्री में कॉइन नहीं मिलेगा। ऐड देख लेने के बाद इस तरह का आपको मेनू आएगा कि हाँ, आपने 10 कॉइन अर्न कर लिए, उसके बाद ओके कीजिए। फिर से आपको क्रिएट स्वाइप पे मारना होगा। आपको एक वार्निंग देगा कि आप जो वर्चुअल रैम क्रिएट कर रहे हैं इससे आपका 2 GB जो वो कंज्यूम करेगा आपके डिवाइस मेमोरी से, तो आपको यहाँ पे येस कर देना है। येस कर लेने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं। उसके बाद आपके डिवाइस में जितने भी आप रैम चाहते हैं वो क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो रैम है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको ओके करना है। फिर से मैं आपको सेटिंग पे जाके दिखा देता हूँ कि हमारा जो स्टोरेज वो अभी घट चुका है, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। पहले था 33.3 GB और अभी देख सकते हैं मैंने 2 GB एक्स्ट्रा क्रिएट किया है वर्चुअल रैम के लिए। अब हो चुका है 3.5 GB, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, सॉरी 33.4 GB। इस तरह से आप अपने डिवाइस को रैम को इंक्रीज कर सकते हैं और अपने हेवी एप्लीकेशन या गेम को स्मूथली रन करवा सकते हैं। इन केस अगर आपको वर्चुअल रैम डिलीट करना है तो उसके लिए आपको करना क्या है, वापस से सेम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, और यहाँ पे देखिए जो डिलीट स्वाइप लिखा रहा है आपको इस तरह से क्लिक करके डिलीट कर देना है, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। उसके बाद आपको करना क्या है, देखिए इस तरह से हर एक एप्लीकेशन को रिसेंट से हटा दीजिए। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग पे जाइए, अबाउट फोन पे आइए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अभी मेरा स्टोरेज जो है वो कम हो चुका है, पहले 35.4 GB था और अभी देख सकते हैं 33.2 GB का ऑप्शन अभी देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से आप अपने डिवाइस के रैम को इंक्रीज कर सकते हैं, 2 GB से 4 GB, 6 GB तक कभी आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, आगे और भी इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो कहीं से भी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। साथ में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट जो है वो सबसे पहले आपके लिए प्रोवाइड कर देते हैं। थैंक यू।